beres lang na nakata ika pang ese. बहुत गंदी दिख रही है गाड़ी, क्या है बाइक की रनिंग बहुत अभी कम हो गई है, नहीं के बराबर ही है रनिंग, तो इसके लिए अभी धूल में पड़ी रहती है यहाँ पे। आज सुबह से खड़ी है गाड़ी, गाड़ी सुबह से क्या, अभी कम से कम नहीं भी बोले तो 10-15 दिन से गाड़ी है, बाइक चल नहीं रही है, इसके लिए इतना धूल है। जाके देखेंगे सबसे पहले कि बाइक वॉश हो पाएगा कि नहीं। एक जो है ये बटन पे भी फॉल्ट है, लूज कनेक्शन, तो चलते हैं भाई सबसे पहले वॉश करने के लिए, इसके बाद में देखते हैं तो सब कुछ ये तेरी की चढ़ेगी कि नहीं। पहले वॉश कराएंगे, अगर टाइम है, अगर बाइक नहीं रहेगी वॉशिंग के लिए तो फटाफट वॉश करा लूँगा, नहीं तो फिर सीधा निकल जाऊँगा। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। एक आध घंटा चलते पहले अपना काम करा लेते। एक घंटा रुकना बोले तो मेरा काम हो जाएगा, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो काम मेरा 1 आवर में हो जाएगा, आई थिंक सो। तो काम ये है कि मुझे मोबाइल होल्डर लगाना है, होल्डर प्लस चार्जर, तो मोबाइल होल्डर प्लस चार्जर लगाना है और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ठाणे। सोचा था बाइक जो है वो वॉश करा के निकलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और 1 आवर रुकना बोले तो वेस्ट है, क्योंकि मेरे को दूसरा काम भी है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए, वॉश तो मैं कभी भी करा लूँगा। वो खा क्या बाइक बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी तो सोचा पहले वॉश करा लूँ, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से तो पहले मोबाइल होल्डर लगाया जाए और वो मोबाइल होल्डर लगाने के लिए मुझे ठाणे आना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वॉचिंग शाहिद VCP। तो अगर ये चेहरा आप देखे नहीं हो तो चेहरा देखने की आदत डाल लो, महीने में 3 मरतबा जो है चेहरा देखने की आदत डालो, मतलब चेहरा देखने की आदत डालो बोले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो इस चैनल में भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोशिश यही रहेगी मेरी कि हफ्ते में एक ब्लॉग जो है वो ज़रूर आए और मंथ में 1 मंथ कम से कम 3 ब्लॉग ज़रूर आए। क्या है ना, दूसरा काम भी रहता है, दूसरा काम बोले तो मालूम है ना, जिससे अपनी चटनी रोटी जो चलती है वो काम भी बहुत ज़रूरी है, वो काम नहीं चलेगा तो फिर ये काम भी नहीं चलेगा, ये काम के लिए वो काम ज़रूरी है। तो इसके लिए ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर, हर काम इम्पोर्टेंट है। ये जो ब्लॉग है ये भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बाइक मुझे अभी ऐसे गंदी तरीके से ही लेके जाना पड़ेगा। फोन आ रहा है शाकिब का, भिवंडी में जो है बहुत रोड खराब है,
और जब ऐसे रोड पे चलाने के बाद समझ में आता है कि बाइक कितनी स्मूथ चल रही है और कितनी अच्छी चल रही है। और ये बाइक में 50-60 की स्पीड देखे हुए ज़माने हो गए। आँख में कचरा कैसे चला गया। देखो इतना अच्छा रोड रहेगा तो फिर फटाफट हर जगह पहुंच जाएंगे। वापस से चालू। और ख़ास करके भिवंडी के बाहर निकलने के बाद ही समझ में आता है बाइक जो है ना तमाम मस्के ऐसी चलती है, मस्के ऐसी। भिवंडी में रहता है ना तो ऐसा लगता है कि रोड ख़राब है कि बाइक ख़राब है, कितना पार्ट सब हिलते रहता है। ओहो, इसको क्या हो गया, अभी ठीक है। ये रेस लगाना चाहता है क्या अपने से। आ जाओ फिर हाईवे पे, मैं थाने की तरफ चल रहा हूँ। आओ कभी हवेली पे, बहुत टाइम बाद एनएस को भी भगाया जाए। क्या नज़ारा है। देख रे देख, तो ठाणे में जो है वो बाइकर वोल्ट्स करके एक शॉप है जहाँ से मैं और शाकिब सारा एसेसरीज लिए थे, जैसे राइडिंग गियर हो गया, मतलब जैकेट और हैंड ग्लव्स और टैंक बैग, तो ये सब बाइकर वोल्ट से ही हमने लिया था। तो मोबाइल होल्डर भी मैं वहीं से फिट कराने वाला हूँ। बाइक चलाने का मज़ा जो है सबसे अच्छा टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग है जो सुबह का रहता है, और दूसरा जो है ये टाइम जो शाम का रहता है, इसमें बाइक चलाने का मज़ा ही अलग रहता है। कुछ तो महक रहा है इंजन के अंदर से। और टाइम बाद जो है एनएस की रनिंग इतनी स्पीड में, जब से जो है भिवंडी में चलने की वजह से ज़्यादा रनिंग हुई नहीं थी, तो बहुत टाइम बाद जो है अभी स्पीड पकड़ी है बाइक को, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जलने ऐसा कुछ बास आ रहा है। कोई बात नहीं, आग लगा देंगे। कट मारने मजबूत मत करो, रिस्क वाला काम करता नहीं हूँ। रोड खाली दिखा तो भगाया जाता है। एक लॉन्ग राइड मारने का टाइम आ गया है अभी। बहुत टाइम से जो है लॉन्ग राइड मारा नहीं, जैसे कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर
ऐसा राइड जो है अभी मन कर रहा है कि एक राइड वो भी हो जाए। टाइम निकालता हूँ। आज तो मोबाइल होल्डर लगा के आऊँगा, क्योंकि मोबाइल होल्डर जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अरे यार, ये कपड़ा रखने की जगह नहीं रहती है, इसके लिए यहाँ बांधना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। यहाँ पे जो कपड़ा बांधता हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है, लेकिन क्या करें, जब बिल्डिंग के नीचे बाइक जब खड़ी रहती है तो धूल इतना हो जाता है कि पोंछने के लिए कपड़ा रखना ही पड़ता है, और कई जगह भी नहीं है रखने को। तो जैसे बता रहा था, आज मोबाइल होल्डर लगा के आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब भी निकलता हूँ तो कहीं अनजान जगह पे तो मैप लगता है, और मैप लगता है तो फिर चार्जिंग है वो ज़्यादा टिकता नहीं है, तो होल्डर बहुत ज़रूरी है। शायद मैं पहुंच चुका हूं। हाँ, बरोबर सही जगह पे पहुंच गया हूं, और अंदर लिया जाए इसी तरफ से, और हम पहुंच गए हैं बाइकर वोल्ट्स। तो ये है बाइकर वोल्ट। पहले जब लगाया था ना, तो बैटरी पे लगाया था मैं, तो डायरेक्ट चलता था वो। डायरेक्ट, हाँ, वो इसको ऑन कर दो ना तो डायरेक्ट। तो अभी जो लगवा रहा हूँ वो चाबी पे चालू होगा। जब ऑन करेंगे चाबी तभी यहाँ से चालू होगा, तो ये बेटर है। केबल नहीं है, चेक कर लेता हूँ ना। तो ये मेरा मोबाइल होल्डर हो गया फिक्स, और चार्जिंग लगा के देखना बाकी है। हो रहा ना? ओके। बटन को आराम से करने का, टूट जाता है। तो ये हो गया मोबाइल होल्डर सही, चार्जिंग भी हो रही है, तो अब निकला जाए। तो आज का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका, और मैं निकल गया अभी घर के लिए। तो खास यही काम के लिए, मोबाइल होल्डर के लिए मैं आया था, वो काम ख़त्म हो चुका है। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलता हूँ मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक। ओ शिट, रॉन्ग वे घुस गया भाई, रॉन्ग वे आ गया, गलत जगह पे आ गया हूँ।